लेडीज एंड जेंटलमैन बॉयज एंड गर्ल्स, आपका फिर से स्वागत है पोकेमोन एडवेंचर रेड चैप्टर में। पिछले पार्ट में हम पहुंचे थे पोमोलो आइलैंड, पिछले पार्ट में हम पोमोलो आइलैंड पहुंचे थे दोस्तों, और फिर हमने बैटल किए थे 10 ट्रेनर्स के साथ, और प्रीलिमिनरी राउंड करने के बाद हम जाने वाले हैं सेमीफाइनल्स में। तो चलो दोस्तों सेमीफाइनल्स में चलते हैं। और इधर प्रोफेसर आईबी भी है। प्रोफेसर आईबी, आर यू श्योर यू ओके? ये ठीक हो चुकी है उस पॉलीगॉन के अटैक के बाद, और फिर ये हमारे साथ हमें गुड लक बोलने वाले, और ये हमें आइटम भेजता है स्टॉप कीपर क्लेक रखा है। मम्मी विल बी चीयरिंग यू ऑन रेड, ओके मॉम। हाँ ये तो वो डेजी है ना, जिसने वो द डीडी अपग्रेड वाला प्रिंसेस फेस्टिवल याद है ना दोस्तों। ओके तो प्रोफेसर अभी भी हमें चीयर करेगा, और ये नर्स जो है जिसने हमारे पोकेमोन को अभी तक साथ दिया है, हमारे पोकेमोन को फेंट होने नहीं दिया है, फेंट तो हो चुके हैं लेकिन हील कर दिया है हमारे सारे पोकेमोन को, और हम अभी तक इधर तक पहुँचे हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। और ये कौन है? कौन है? तो गुड लक कंटेस्टेंट नंबर 12। मेरा तो रोल नंबर 11, लेकिन चलो रहने तो चलते हैं अब लीग के अंदर। तो दोस्तों कमेंट पे गुड लक कर दीजिएगा, आपके सपोर्ट के बिना मैं आगे नहीं जा पाऊंगा। तो चलते हैं, हेलो लेट्स बैटल। कुछ ज़्यादा रूड है। तो मगेनियम, तो हमारे पास पिकाचू क्यों आया है पता नहीं। गो फ्लेरियन, अपना जलवा दिखा दे फ्लेरियन। ओके हम इस्तेमाल करने वाले फ्लेम थ्रोवर, सुपर इफेक्टिव, फिंगर क्रॉस कर लो। ओके नहीं आ रहा, फिंगर क्रॉस से कुछ काम नहीं है। बोर्ड स्लैम और हमें पैरालाइज। भाई अरोमा थेरेपी इस्तेमाल किया लेकिन वो उसे कुछ नहीं हुआ है, हुआ तो हमें है लेकिन बाइट इस्तेमाल किया। चलो इसका अगला पोकेमोन कौन सा आएगा? बेलोसोम, जो कि वी है ग्रास टाइप, इसके बाद सारे ग्रास टाइप पोकेमोन होंगे शायद। और ले ब्लेड, ओके तो ली ब्लेड और फ्लेम थ्रोवर, 80 लेवल का बेलोसोम है। सारे पोकेमोन है ठीक है क्या या नहीं? तो लिली लियांट, ये हाँ ये भी ग्रास टाइप पोकेमोन है दोस्तों। ये सनी डे, ओके सनलाइट, लेकिन ऊपर तो छेद ही नहीं है, फिर लाइट किधर से आ रही है? ओके सुपर इफेक्टिव। तो मैरेक्टस, ये भी एक ग्रास टाइप पोकेमोन है। हाँ मैंने सही गैस किया, इसके पास सारे ग्रास टाइप पोकेमोन है। ओके तो फ्लेम थ्रोवर, सोलर बीम लगा, सोलर बीम नॉट वेरी इफेक्टिव, नहीं आ रहे। और पैरालिसिस लगा उस मैगेनियम खड़ूस से, मैगेनियम के वजह से हमें मूव इस्तेमाल करने का, और फिर एक और पैरालिसिस। अब कुछ मत करना मैरेक्टस, सोलर बीम लगा और फिर गो टू हेवन, आई मीन गो टू हेल। ओके तो मैं अब बोल रहे थे अपना जलवा दिखाने का। भाई सोलर बीम कितना इस्तेमाल करेगा? मेरे पोलरथ को अभी फेंट कर देता तू, लेकिन हमने आइसक्रीम इस्तेमाल करके उसको फेंट कर दिया, और फिर विस्कोट। ओ भाई कितने ग्रास टाइप पोकेमोन है तेरे पास, ज़्यादा रूड बंदा है ये तो। ओके हार चुका है ये, क्या है इसका नाम? प्लेयर गैरी ट्रेनर गैरी। हारने के बाद देखो क्या बोल रहा है। ओ गलती से तो रीसेट करते हैं, तो उसको डिफीट करते हैं। हम हिल नहीं कर सकते, अगर हिल किया तो हमें इसको साथ फिर से बैटल करना पड़ेगा, तो हिल नहीं करते आगे बढ़ते हैं। तो ये कौन सा ट्रेनर है देख लेते हैं। आई एम सो हंग्री, क्या नहीं खाया क्या तूने? और ये हमें खाना चाहता है, अरे खा ले मुझे खा ले। वो दिखने में तो कूल है, ट्रेनर क्लिफ और मैंडी बॉज, इसके बाद सारे फ्लाइंग टाइप पोकेमोन है, जिसके लिए हमारा पिकाचू है फ्लाइंग टाइप या डार्क टाइप। ओके सुपर इफेक्टिव, वॉल विंड, स्नोरलैक्स को भेज दिया है, अब ये तो गया। मैंने गलती से रेड से इस्तेमाल कर लिया तो अब लगेगा। ओके वो खुद ही मर चुका। ब्रेवरी, ओके फ्लाइंग टाइप पोकेमोन है, पिकाचू काम आएगा। ब्रेवरी, ओके ये डार्क टाइप ही है ना दोस्तों, पता नहीं फ्लाइंग टाइप ही चूज करेगा, ये फ्लाइंग डार्क चूज करेगा क्या? तो देख लेते इसका तीसरा पोकेमोन कौन सा होगा। तो
निंजैक्स मतलब बग टाइप या डार्क टाइप चूज कर रहा है शायद, ये बग टाइप और डार्क टाइप है ना, उड़ने वाले डार्क टाइप चूज कर रहा है ये भाई, कुछ पल्ले नहीं पड़ा। ओके स्टार रैप्टर, 80 का स्टार रैप्टर। तो थंडरबोल्ट, तो दोस्तों ये फ्लाइंग टाइप इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन निंजैक्स शायद नहीं ये फ्लाइंग टाइप, वो बक और टेल ऑन फ्लेम रहने दो दोस्तों जो मैंने अभी अभी कहा। थंडरबोल्ट, ओके सुपर इफेक्टिव। ओके ट्रेनर क्लिफ हार चुका है, आई बेटर स्टार्ट फिनिशिंग फ्रॉम फोर फिशेस। ये तो चिड़िया है, तो डॉक्टर टीम ये वही है ना ये जो हमने पे मैं देखा था उसमें जब हम पहली बार इस पॉमल आइलैंड में एंट्री मारे थे। ओके चैंसी, नॉर्मल पोकेमोन होंगे या चैंसी रखा होगा इसने, जो कि हीलिंग टाइप पोकेमोन या फेरी टाइप बोलते हैं इसको। क्रिट लगा लेकिन कुछ असर नहीं हुआ। फिर से थंडरबोल्ट, ओके देखते हैं कितना लगता है इसको, और फिर से लाइट स्क्रीन। ओके दोस्तों आधे घंटे बाद हमने इसको डिफीट कर दिया है, तो वन आयरन हेड से ये फ्रेंड हो चुका है। 96 ब्लिसी आया इसका अगला पोकेमोन, तो ब्लिसी को भी हम आयरन हेड करेंगे। ओके 80 लेवल का है शायद, क्रिट ना लगे, और देखते हैं कितने स्लो से इसकी एचपी नीचे गिर रही है। अब इसका 1 एचपी बचा तो ये फिर से रिवाइव हो जाएगा, और हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत की बात होगी। तो नहीं बचा 1 एचपी, अगला पोकेमोन के ऊपर होगा ये हैप्पीनी। ओके हैप्पीनी क्यूट पोकेमोन, नीचे इसके पास सारे चांसी है क्या? तो आयरन हेड देखते हैं लगा सुपर इफेक्टिव या नहीं। तो उसका अगला पोकेमोन ग्लिसी, हमारे पास हमने देखा है इसको दोस्तों, और भी इसके पास अगला पोकेमोन चैंसी एनयू वाला होगा, तो हमारे पास भी चैंसी एनयू है दोस्तों। फिर से विश, तो लगा आयरन हेड। ओके अब विश पूरा होगा इसका, लेकिन विश पूरा हो गया, मैं नहीं हुआ बोलने वाला था, लेकिन ग्रीन जोन में पहुंचा दिया इसको। तो चलो उससे फेंट होना चाहिए, बनना एरोडैक्टिल की इज्जत नहीं हुई। ओके फ्लेंच, यस ये अच्छी बात है। फिर से आयरन हेड, ग्लिसी बहुत ही ज़्यादा अजीब सा पोकेमोन, और चैंसी एनयू, मैंने सही गेस किया दोस्तों, क्योंकि सारे चैंसी है हीलिंग पोकेमोन। चैंसी एनयू फ्लिंचेज और क्रंच, मुझे जहाँ तक लगता है कि इसके पास कोई मूव नहीं होगा। तो विश इसके पास किधर से आ गया? हेडबट, मेरा मतलब आयरन हेड। विश कंप्लीट, इसका विश कंप्लीट हुआ। मुझे फिर से आधा घंटा लगने वाला है इसको डिफीट करने में, तो देखते किधर तक पहुँचता है उड़कर। लाइट स्क्रीन, ओके स्पेशल डिफेंस अपग्रेड किया, मुझे तो लगा था इसके पास कोई मूव ही नहीं है, हमारे पास जो चैंसी एनयू है उसके पास कोई मूव ही नहीं है ना दोस्तों, तो उसके पास कैसे हमें बहुत आगे तक अपने पोकेमोन को हील नहीं कर पाएंगे। चैंपियन तक को हरा देखा, यू आर रेड फ्रॉम पैलेट टाउन। ओके हम ऑरेंज आइलैंड से बहुत ही ज़्यादा फेमस है, सारे लोगों ने हमें टीवी पर देखा है, हम कांटो के चैंपियन है ना। ओके स्टार में जीरो पिकाचू, अपना कमाल दिखा, वाटर पोकेमोन होंगे इसके पास सारे, या फेरी टाइप, नहीं वाटर टाइप ही होंगे, या फेरी टाइप, नहीं वाटर टाइप ही होंगे, पता नहीं दोस्तों देख लेते। ओके स्पेशल डिफेंस अपग्रेड किया इसने, तो डिस्चार्ज हार जाएगा, मैं बेट लगाता हूँ, देखो दोस्तों मैं बेट में जीत गया, क्या मिलेगा मुझे? तो नीडो क्वीन गलती से ये रख दिया मैंने, तो लगता है क्या ये? ओह लगता है ये वाटर टाइप है क्या? अट्रैक्ट पिकाचू, क्या चक्कर में फंस गया तू? ओ तेरी डिस्चार्ज, देखते कितना लगता है। पिकाचू भी ऐसी गंदी हरकत में लग गया हमारा बोल्ट, तो डिस्चार्ज। उत्तरी इमोलाइज मत होना, ये अच्छी बात है।
ओके, नीटो कोइन मर चुका है, अब इसका लॉ बढ़ना चाहिए। बोल्ड भी कैसी कैसी सलाहतदी करता है। और लुकारियो माना कि एरोरिगल कमजोर है, लेकिन हमने कमाल तो दिखाना ही पड़ेगा। एन हेड नॉट वेरी इफेक्टिव, जैसा कि मुझे लगा। हील पल्स क्रंच नॉट वेरी इफेक्टिव, हील पल्स। तो ये हमें हील पल्स मतलब हमें हील कर देगा ये, फिर तो ये अच्छी बात हुई। मैंने पोकेमॉन को क्यों नहीं स्विच किया। ओके, अगला पोकेमॉन है स्नोलैक्स। मैंने अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया। ओके, तो देखते हैं कि रेजोल्यूफ क्रिट लगा, फिर से क्रिट लगना चाहिए, लेकिन इसने सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर दिया। और विनोसोर को लगा होगा जोर को, जोर से। कैबिन, ये नन्ने पोकेमॉन, ये नन्ना मुन्ना पोकेमॉन हमारे पास भी है दोस्तों, अगर आपने कैबिन और बूही वाला पार देखा है तो आपको पता होगा। ओके, लगना चाहिए थ्री हिट थ्री टाइम्स। फ्रेश इस्तेमाल किया जो कि हमें लगेगा और हम हार जाएंगे, और वो भी क्रिट लगा। गोस्ट स्नोलैक्स अपना कमाल दिखाना पड़ेगा। क्रंच, ओके थ्रैश हमें सुपर इफेक्टिव होगा, नहीं हुआ। ओके, तो वरना हम एलो जोन में पहुंच जाते। ओके, काय बेबलेटर काय हार चुका है। वेल दैट वाज फन। ओके, तो ये मज़ा आया तुझे। तो दोस्तों मैं अपने पोकेमॉन को हील करता हूँ। ओके दोस्तों, हमारे पास काफ़ी आइटम्स थे हील करने के लिए। अब भी आप उधर मत जाइए, वरना आपको फिर से रिसेट करना पड़ेगा इन सब के साथ रिसेट बैटल। रिक लड़का है, लड़की है, तो ये लड़की है शायद। ओके, फाइटिंग टाइप पोकेमॉन या फायर टाइप पोकेमॉन। थंडरबोल्ट, चिकन पोकेमॉन, चिकन को हमने भुर्ता बना दिया। ओके, स्लैश इस्तेमाल किया जिसको हमें सुपर इफेक्टिव नहीं हुआ। थंडरबोल्ट हार जाना चाहिए। क्रिट लगा, ओके पहले लगना चाहिए था क्रिट, एक थंडरबोल्ट वेस्ट नहीं होता। ब्लोसोमाइट, हाँ पोकेमॉन स्विच करने वाले। फ्लेरियन गो, ओके गो फ्लेम थ्रोवर, सोलर बीम इस्तेमाल करने वाला है ये। कमॉन, हमें इस एपिसोड को जल्दी से ख़त्म करना होगा, क्योंकि पिछले पार्ट बहुत ही ज़्यादा लंबा था। लैप्रस जीरो, ओके फ्लेम थ्रोवर, सुपर इफेक्टिव। फिंगर क्रॉस नॉट वेरी इफेक्टिव, ओके बॉर्न हुआ ये अच्छी बात है। चलो बाइट इस्तेमाल करते हैं, नहीं बाइट नहीं, पोकेमॉन्स को स्विच करते हैं। विनोसोर तुम जाओ, अपना कमाल दिखाओ। वो आइस टाइप है, लेकिन अपना कमाल दिखाना ही पड़ेगा। विनोसोर पेडल स्ट्रोम, बुया हार चुका, वन इट। ओके, इसका अगला पोकेमॉन कौन सा है, जल्दी। आयरडॉस जीरो, जो कि एक पॉइजन टाइप पोकेमॉन है, उसके लिए हमारा फ्लेरियन है। फ्लेम थ्रोवर, कमॉन, देखते हैं अगला पोकेमॉन कौन सा है। टैंक ग्रोथ, ओके टैंक ग्रोथ फ्लेम थ्रोवर। इट्स सुपर इफेक्टिव, जैसा कि मुझे लगा। और फिर गोरचू पोकेमॉन स्विच, वो एरोडैक्टिल, और पावर मारेंगे हम इसको। और पावर, कमॉन सुपर इफेक्टिव हुआ, लेकिन नहीं आ रहा। और थंडर से हमें सुपर इफेक्टिव होगा शायद, हम हार भी सकते हैं और हार गए। अगला पोकेमॉन जल्दी से आया, अब ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अनइन कर रहा है। वो विनोसोर, रेजोल्यूफ मिस हो गया, थंडर लगा। थंडर, मैं थंडरबोल्ट बोलने वाला था, लेकिन थंडरबोल्ट नहीं है, और हम पैरालाइज भी हो गए। शैतान पोकेमॉन कहीं का, पता चला ना क्यों तुझे पोकेमॉन कंपनी ने बैन किया है। ट्रेनर रिक भी हार चुका, अब हम अगला, आई एम फेलियर। ओके तू फेलियर है, हमें उससे कोई मतलब नहीं। ओके, तो अब हम शायद पहुंच चुके फिनाले में। यू आर द विनर ऑफ प्रीलिमिनरी राउंड, ओके अब हम सेमीफाइनल में जाने वाले हैं, गुड लक। तो दोस्तों आपने मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने कमेंट में गुड लक लिख दिया। और मीन वाइल,
ओके, तो थोड़ा हम नहीं बोलने वाला कि ये क्या बोल रहे हैं। ये प्राउड हमारी मॉम हमारे लिए चिंता कर रही है। टेस्ला मेरे हमारे मॉम को कुछ मत करना, बनना मैं तुझे हमारे या मेरे मॉम को रेड के मॉम को कुछ मत करना टेस्ला बाया लाइक बुढ़िया। ये उसका ग्रैंडसन है। ओके, तो चलो जल्द से जल्द हम आगे बढ़ते हैं। और इधर ग्रीन है। ऑलराइट, एवरीथिंग इज गोइंग टू ओके सो फार। ओ ड्रेक, इसको हमने कॉमकोट आइलैंड में मिला था ना, इसने हमारी हेल्प की थी। मुझे लगा था मुझे ये बुरा होगा, ये शायद बुरा ही होगा। ओके मी, तो इधर कुछ प्लानिंग चल रही है सेमीफाइनल्स में। ये कुछ करने वाले हैं क्या? कब चुराएंगे क्या, जैसे टीम रॉकेट ने चुराया था और रैस ने उधर उड़ा दिया था। इट इज़ रेडी, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्विक। और इधर से नहीं जा सकते, तो इधर डेजी और हमारे सारे दोस्तों और आर्चर कमीनी आर्चर सेंसर कर दो उसको। और ड्रेक, तो शायद हम इसको इसके साथ बैटल करने वाले, तो जल्द से मैदान में उतरते हैं। लेट द फर्स्ट बैटल विथ ये कौन है, हैरिस आर्कनाइन। ओके दोस्तों, इसको मैं बैटल स्किप कर देता हूँ। Wow, you are too strong, okay? And the winner is Red from Palace Town. Okay, green or purple? Purple कौन है? ये purple कौन है? मुझे उसकी शक्ल देखनी है। लेकिन वो purple बाल तो होंगे, लेकिन पोकेमॉन को हील कर ले। Okay दोस्तों, तो back to perfect. और अगला battle होगा हमारे और green के बीच में। हमने फिर से इंडिगो प्लेटो में भी बैटल किया था दोस्तों हमने, एंड ऑफ कांटो सागा में। तभी कांटो एंड हो चुका था और इसका नाइन टेल्स पता था इसके पास। अब ये नाइन टेल्स इस्तेमाल करने वाला है फिनाले में, क्योंकि इसका नाइन टेल्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमोन है जिसको हराएगा हमारा पोलरैथ। तो ओके, हम हाइड्रो पंप को उड़ा देंगे। हमें ग्रज कर दिया क्या? नहीं किया। ओके, हाइड्रोबम्प फेंट। ओ, हमारी हाइड्रोबम्प की पीपी एंड हो चुकी उस ग्रज की मदद से। और आया इसका साइथर के लिए हम इस्तेमाल करने वाले फ्लेम रियोन, फ्लेम थ्रोअर बोलने वाला, लेकिन फ्लेम फ्लेरियोन, क्योंकि हम इस्तेमाल करने वाले फ्लेम थ्रोअर। मैंने अपने सारी पोकेमॉन को मैक्स एक्स लियर की मदद से पीपी भी रजिस्टर कर दिया है। फ्लेम थ्रोवर बुया, साइथर भी आ चुका। वन इट के हो हना भारी, ये कौन है भाई? मुझे याद नहीं। और ये भाई मुंह में फूल रखा हुआ है, लेकिन ग्रास टाइप होगा क्योंकि इसके पास फूल है। ओके, सुपर इफेक्टिव ने सही नहीं सही पहचाना मैंने इसको, ये ग्रास टाइप ही है। स्टंट पफ, ओके हम ये इस्तेमाल करने वाला है। लाइक मैं इसको क्यों भूल जाता हूँ, हमें पोकेमॉन स्विच करना पड़ेगा दोस्तों। विनोसोर है इसके लिए एकदम परफेक्ट पोकेमॉन, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक और वाटर टाइप पोकेमॉन होना चाहिए और हमें विनोसोर को कुछ नहीं असर होगा, क्योंकि कौन सा मूव इस्तेमाल किया था इसने। चलो पैडल स्ट्रॉक से देख लेते कितना लगता है। रेड जोन में पहुंचा दे विनोसोर, ये क्रिट लगा दे। हिट फोर टाइम्स, मेरी पहले की इच्छा पूरी कर दी। और पॉइजन जैब, हमारे पास तो कोई ग्रास टाइप, मेरा मतलब पॉइजन टाइप मूव है ही नहीं, तो ये ग्रास टाइप पोकेमॉन होकर भी हमारे पास कोई ग्रास टाइप मूव नहीं है। तो चारिजार्ड, विनोसोर वर्सेस चारिजार्ड करने में मज़ा आता, लेकिन नहीं रहने तो हमारा विनोसोर वन हिट के हो जाएगा इसके वन फ्लेम थ्रोवर से। सोलर पावर, क्या सोलर बीम इस्तेमाल करने वाला है? थंडरबोल्ट, ये कमॉन फिंगर क्रॉस, यस वन हिट के हो। और पिजियोट जी, इसको भी आसानी से हरा देंगे। और ब्लू को हरा, मेरा मतलब ग्रीन को हराना बहुत ही ज़्यादा आसान हुआ। पता नहीं मैं इसको पहले से ही मैं इसको ग्रीन की जगह ब्लू बोलते रहता हूँ। तो राइवल ग्रीन हार चुका, ग्रीन को हमने आसानी से हरा दिया।
कंग्रेचुलेशन रेड, यू आर द विनर। ओके आप ड्रेक, आप ड्रेक, लेकिन हमें हमने पोकेमोन को हिलने किया। रुक जा चीटर, चीटर कहीं का ड्रैगनाइट जीरो। तो उसके बाद सारे ड्रैगन पोकेमोन, तो हमको पता है हम कौन सा पोकेमोन यूज करने वाले हैं, पोलराइज इस्तेमाल करने वाले हैं। हाँ दोस्तों, सबको आइसक्रीम, क्योंकि ड्रैगन पोकेमोन आइस पोकेमोन के साथ कमज़ोर होते हैं और हमारे पास कोई आइस पोकेमोन नहीं है, तो फ्ले आइस क्रीम से काम चलाना पड़ेगा। क्यों हम फ्ले, हम अपने ईवी को ग्लेशियर में इवॉल्व कर सकते थे और आइस क्रीम सिखा सकते थे। ड्रैगनाइट, ओके तो अब हम आइस क्रीम इस्तेमाल करने वाले। फिंगर क्रॉस कर लो दोस्तों, आइस क्रीम कम, हार जा हार जा हार जा हार जा, वन इट के ओ क्रिट, सुपर इफेक्टिव। सबको अब हम इसको फुल रिस्टोर देने वाले नहीं है। एग्जीक्यूटर ये ग्रास टाइप होगा, आइस क्रीम कम ऑन कम ऑन कम ऑन, फेंट हो जा, सुपर इफेक्टिव हो जा, कुछ भी हो जा, बट तू हार जा। यस फ्रोज हो गया, अब ये मूव नहीं कर सकता। आइस क्रीम या बुया बुया बुया, ड्रेक के तीन पोकेमोन को आसानी से डिफीट 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 कर दिया। और गो पीका, पिकाचू अपना कमाल दिखाएगा, क्योंकि ये गैरडोस एक वाटर पोकेमोन है। थंडरबोल्ट, अब इसके पास बचे दो पोकेमोन और ड्रैगन डांस। पिकाचू अपने जान दे दे, लेकिन इसको हराना पड़ेगा, जान मत दे। थंडरबोल्ट बोलने दे, लेकिन वोल्टेकल मार दिया। ओके तो वन ओ एम जी, ओ मेरे आरसीएस, उठा ले रे उठा ले बाबा, मेरे को नहीं इस ड्रेक को उठा ले। फ्लाइड्रा पोकेमोन स्विच करने वाले, पोलराइज हमने कमाल दिखाएगा। आइस बीम बुया बुया, यस सुपर इफेक्टिव, पोलराइज बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा है दोस्तों, हमारा स्टार्टर पोकेमोन सबसे ताकत पर। एक और आइस बीम से इसको एंड कर देते हैं, कम ऑन वन मोर आइस बीम और क्रिट, सुपर इफेक्टिव या फ्रोज कर दो इसको, या क्रिट लगा सुपर इफेक्टिव है, दोनों दोनों। यो बुया, कितना बुया बोलूँ मैं, प्लेयर डिफरेंट ट्रेनर ब्रेक। यो अब हम बन चुके हैं ऑरेंज आइलैंड के चैंपियन दोस्तों, वो पार्टी करते हैं दोस्तों, जश्न मनाते हैं, क्राउड। ओके ये तो वो है ना, क्या साइबोर्ग जिसने पिंक को मारा था, ये नहीं है, वो आर्योडोस वाला साइबोर्ग था, ये फियोरो वाला साइबोर्ग है। और आर्चर टेस्ला डैनी और वो लुकर भी रूडी। ओके तो टीम रॉकेट प्रिपेयर फॉर डबल, मेक इट डबल या मुसीबत के लिए तैयार हो जाओ और उसे झेलने के लिए भी। ओके तो ब्लू ने कुछ किया होगा, और सीसी भी हमारे साथ, ओ ये बहुत ही अच्छी बात है, सीसी भी हमारे साथ है। पिंग सिर्फ पिंग नहीं है, ओ ब्लू के साथ, यस ब्लू बोनस चैप्टर ब्लू स्टेल 3 जेम्स, लेट्स डू दिस क्वाइटली। हम फिर से ब्लू बन चुके हैं दोस्तों, हमारे पोकेमोन देख लेते कितने लेवल गए हैं, 70 लेवल पे अटका हुआ है अभी भी। तो दोस्तों इस पार्ट के लिए इतना ही, अगले पार्ट पर हम करने वाले ब्लू टेल्स चैप्टर 3। तो थैंक यू इस वीडियो के लिए देखने के, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और मुझे सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपके वजह से हम बन पाए का ऑरेंज आइलैंड्स के चैंपियन। तो इसी तरह सपोर्ट करते रहिए, मैं आपसे दोबारा मिलूंगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और मेरा एक थियोरी चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब कर देना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर देना अपडेट्स के लिए। हैव अ गुड डे।